Our today topic name is algebraic expression, and this chapter is in class 8th. There will be two videos of this chapter. ये जो video है इसको मैंने part 1 बोला है, and second video will have algebraic identities. So I'm not taking algebraic identities in this video because it will become more lengthy. So what we will do? सबसे पहले हम meaning पढ़ेंगे. What is the meaning of algebraic expression? Then types पढ़ेंगे. मैं types की बात कर रहा हूँ तो बात होती है monomial, binomial, उसकी बात करेंगे. और last में हम करेंगे how to multiply, add, minus of algebraic expression. और इसमें सबसे interesting part है exercise जो questions हैं वो मैंने solve करे हैं. So I hope वो आपको अच्छे लगेंगे. So let's start. सबसे पहले काम करते हैं मीनिंग ऑफ इंपॉर्टेंट टर्म्स वो ले लेते हैं मीनिंग वन बाय वन. आवर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पार्ट इज मीनिंग ऑफ इंपॉर्टेंट टर्म्स. सो लेट मी स्टार्ट विद द इंपॉर्टेंट पॉइंट. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएबल. सी वेरिएबल जो वर्ड है वो बना है, एक वर्ड होता है इंग्लिश में VARY, वेरी. इसका मीनिंग होता है चेंज, हुज वैल्यू चेंजिंग कंटिन्यूसली. तो वेरिएबल इन एलजेब्रा आर द अल्फाबेट. जितने अल्फाबेट हैं A, B, C, X, Y, Z, हम सबसे ज्यादा X यूज करते हैं, इनको वेरिएबल कहते हैं, क्योंकि इन एवरी क्वेश्चन देयर वैल्यू चेंज. उसके बाद बात करते हैं कॉन्स्टेंट की. देखिए कॉन्स्टेंट और न्यूमरल है ना, वो एक ही बात होती है, या नंबर कहते हैं, यानी कि जिनकी वैल्यू फिक्स होती है. ये आपने साइंस में भी सुना होगा, फिक्स वैल्यू जो होते हैं. फिक्स वैल्यू किसकी होगी? नंबर्स की होंगी, 2, 3, 4, 20. आई होप ये भी इजी है. नाउ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट विद द हेल्प ऑफ प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड. यानी कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट. फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं यहां पर एग्जाम्पल देता हूं. x प्लस 3 है, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है. 7x + y - 8, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है. ये दो वेरिएबल है, ये सिंगल वेरिएबल है. दो वेरिएबल कौन कौन से हो गए? x और y. सो आई होप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी कर. अब एक क्वेश्चन जनरली आ जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन. देखिए वर्ड इक्वेशन है ना, इसका प्रीफिक्स है EQU, इसका मतलब होता है इक्वल, बराबर. एंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर इक्वल टू का साइन होता है उसको इक्वेशन कहते हैं. जैसे ये इक्वेशन है, बिल्कुल है. अगर मैं आपसे पूछूं कि x + 8 ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ना इक्वेशन, ये इक्वेशन नहीं होगी क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है. x - 2 = 0 ये इक्वेशन होगी, बिल्कुल होगी, इक्वेशन होगी. जब भी हम इक्वेशन की बात करते हैं ना, तो आपको रिमाइंड कराएंगे जब भी हम बात करेंगे, इट इज लाइक ए बैलेंस. ओके, सो बैलेंस में ये जो वाली पार्ट होता है ये कहलाता है लेफ्ट हैंड साइड. यानी कि ये हमारा इक्वेशन में बात करेंगे इसको कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड. ये वाला जो पेन होता है इसको कहते हैं राइट हैंड साइड. ये राइट हैंड की तरफ लाई करता है, यानी कि ये वाला पार्ट RHS कहलाएगा. इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे बिकॉज अभी तो हमारे चैप्टर का नाम पॉलिनोमियल है. आई होप यहां तक इट्स क्लियर टू यू. नेक्स्ट करते हैं. देखिए आवर नेक्स्ट स्लाइड इज कि भाई चैप्टर का नाम पॉलिनोमियल है, तो सबसे पहले पॉलिनोमियल की मीनिंग बात करते हैं. पॉलिनोमियल का मीनिंग दो तरह से करेंगे. सबसे पहले मैं ले लेता हूं एल्जेब्रिक पॉइंट ऑफ व्यू. ये कहता है एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल जो पावर है ना वो पॉजिटिव होल नंबर होनी चाहिए, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए. सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो मैं कैसे, देखिए कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी पावर यानी कि हाईएस्ट पावर जो है ये डिग्री बोलते हैं, ये पॉजिटिव अगर है तो ये पॉलिनोमियल है. यहाँ पे 3 पावर है, यहाँ पे 1 पावर, जिस कोई पावर नहीं होती तो 1 होती है, ये पॉलिनोमियल है. लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई x की पावर -2 + 8x - 7 ये होगी पॉलिनोमियल, आंसर होगा नो. क्यों? क्योंकि नेगेटिव पावर होगी. डेफिनेशन क्या कहती है? पावर पॉजिटिव होनी चाहिए. अच्छा कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई ये पॉलिनोमियल है क्या x + 1/8, आंसर इस केस में हो जाएगा नो. रीजनिंग कि देखिए 1/x जो है ना, इसको जब मैं लिखूंगा तो x की पावर -1 लिखूंगा, और -1 लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव पावर. और नेगेटिव पावर होते ही ये पॉलिनोमियल नहीं होगा. तो ये पॉलिनोमियल के आपको डेफिनेशन आई होप क्लियर हो गया पता. वैसे दूसरा है कि जो पॉली वर्ड है ना इसका मीनिंग होता है मेनी, ये मैं अगली स्लाइड में बात करूंगा. और नोमियल का मीनिंग हो जाता है टर्म्स. तो सबसे पहले पॉलिनोमियल का डेफिनेशन हमारे सिलेबस में जो जितने भी क्वेश्चन है उन सब में
पॉजिटिव पावर होंगी वेरिएबल की। उसके बाद बात करते हैं कोफिशियंट। देखिए बार बार एक वर्ड कोफिशियंट की बात करूंगा मैं एक एक्सरसाइज में। कोफिशियंट होता है एनी फैक्टर ऑफ ए टर्म। ये सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, कोई अगर आपसे पूछे कि भाई 7x² - 8x ये है, सो व्हाट इज द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है एक्स स्क्वायर के आगे क्या नंबर है यानी कि 7, ये इसका कोफिशियंट कहलाएगा। इसको न्यूमेरिकल कोफिशियंट भी कह देते हैं। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में मैं आपसे पूछ लूं व्हाट इज द कोफिशियंट ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा -8, क्योंकि x के आगे -8 आ रहा है न्यूमेरिकल कोफिशियंट। लेकिन एक थर्ड पूछ लेते हैं जनरली, क्वेश्चन आ जाता है कि 7x² y। अब आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द कोफिशियंट ऑफ y। इस केस में y को छोड़ के जो बच जाता है वो इसका कोफिशियंट कहलाएगा, यानी कि यहां पे आंसर हो जाएगा 7x². आई होप ये कोफिशियंट आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल की बात करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिग्री कहें या पावर कहें, तो इसके डेफिनेशन क्या है, कहता है भाई जो हाईएस्ट पावर होती है ना पॉलिनोमियल में वो उसकी डिग्री कहलाता है। एग्जांपल के साथ समझाता हूं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स की पावर 7 माइनस 3x की पावर 5। अब आपसे पूछा जाएगा इस पॉलिनोमियल में डिग्री बताइए, तो देखिए डिग्री अगर पहली टर्म की तो 2 डिग्री है, 7 5, हाइएस्ट क्या है, हाइएस्ट तो 7 है, इसकी डिग्री हो जाएगी 7। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। एक और ले लेते हैं कि एक्स प्लस 5 है, इसकी डिग्री बात करूं। अब जनरली बच्चे कहते हैं सर यहां तो मेंशन ही नहीं करी। देखिए अगर पावर मेंशन नहीं होती तो 1 होती है, इस केस में जो डिग्री है वो हो जाएगी 1। फिर क्वेश्चन आ रहा है सर 0 डिग्री कब होगी। देखिए जब कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल होता है ना, फॉर एग्जाम्पल 5 है, अब मैं 5 को ऐसे भी लिख सकता हूं 5 x 0। क्यों लिखा मैंने ऐसे, क्योंकि किसी की भी पावर 0 है ना वो 1 होती है, तो इस केस में कांस्टेंट पॉलिनोमियल है इसमें डिग्री है वो 0 होगी। लेकिन सर 0 पॉलिनोमियल, देखिए 0 पॉलिनोमियल का ये एग्जांपल है, और एक इंटरेस्टिंग चीज है कि 0 पॉलिनोमियल की बात करेंगे ना उसकी डिग्री नॉट डिफाइन होती है। ये आगे हम बात लेंगे हायर क्लास में कि क्यों नॉट डिफाइन होती है, थोड़ा डिटेल में बात जाएंगे बाद में। अभी मैं डिग्री आई होप आपको क्लियर होगी। एक लास्ट क्वेश्चन पूछूं कि भाई 3x² + 7x - 8, इस केस में डिग्री क्या हो जाएगा, इस केस में डिग्री हो जाएगी 2। लेकिन एक क्वेश्चन आ गया था कॉम्पिटिटिव में इसका कि x² y की पावर 3 + 7x². अब डिग्री देखिए, अब इस टर्म में वेरिएबल जो है ना उनको ऐड करो, यहां पे अगर ऐड करेंगे तो 2 + 3 यानी कि वेरिएबल की पावर 5 है, तो इस केस में जो डिग्री है वो कहलाएगी 2 + 3 = 5। आई होप ये जनरली क्वेश्चन पूछ लेते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो डिग्री आपको क्लियर हुआ होगा। क्यों, क्योंकि मैंने एक टर्म के दोनों वेरिएबल को ऐड कर लिया इनकी पावर्स को, ना कि 3 और 2, तो यहां डिग्री 5 हो गया। नेक्स्ट ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बड़ा है, वो काम का चीज है। हम लाइक और अनलाइक टर्म की बात करेंगे। दो तरह की टर्म्स होती हैं। लाइक टर्म जैसे खुद नाम कहता है, वो टर्म्स लाइक होते हैं जिसमें वेरिएबल सेम होते हैं, ये कंडीशन है। फॉर एग्जांपल भाई 7x है ना और 3x है, ये दोनों लाइक है। लेकिन अनलाइक क्या होता है, इस केस की में जो डेफिनेशन हो जाएगा वो वेरिएबल नॉट सेम होगा, यानी कि बिल्कुल सेम नहीं होगा। कैसे, 7x और यहां पे 3x² ले लेता हूं, ये x है ये x² है। अच्छा एक और ले लेते हैं, 3x और 3xy, देखिए दोनों वेरिएबल अलग अलग हैं। ये दो, ये एग्जांपल जो मैं ले रहा हूं ये अनलाइक टर्म्स के हैं। आप बोलोगे सर कोफिशियंट तो दोनों में 7 7 है, नहीं फिर भी अनलाइक है। इस केस में अगर आप देखें, अगर मैं यहां पे 8x² y ले रहा हूं तो यहां पे ले लेता हूं 3y x², ये दोनों लाइक होंगे। भाई x² y लिखो या y x² लिखो, एक ही बात होती है, इनका वेरिएबल सेम है। अब ये काम कहां आते हैं, देखिए सबसे पहले जब भी हम ऑपरेशन और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ते हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वी कैन ओनली एड और सब्ट्रैक्ट लाइक टर्म्स ओनली। मैं यहां क्या कहना चाहता हूं, ये कहना चाहता हूं कि भाई अगर कोई आपसे पूछे 7x + 3x तो आप आंसर लिखोगे 10x, क्योंकि दोनों लाइक टर्म है। अगर अनलाइक वाले केस में आपसे कोई पूछ ले कि भाई 7x + 3y कैन वी एड, वी कैन नॉट एड, हमें इसको स्ट्रेट वे लिखना पड़ेगा,
ये कुछ वैसा ही है कि भाई 7 एप्पल हैं आपके पास, ओके, और 3 ऑरेंज है, तो कैन वी टेल कि हाउ मेनी एप्पल। ठीक है, हम इनको इसलिए ऐड नहीं करते कि ये अलग हो जाएंगे, ये एज इट इज रहेंगे। तो हम ऐड और सबट्रैक्ट जो हैं वो लाइक टर्म्स का ही कर सकते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं सर मल्टीप्लाई में। देखिए मल्टीप्लीकेशन जब होती है ना वो इजी होती है। सबसे पहले अगर कोई आपसे मोनोमियल इंटू मोनोमियल पूछे, 3x इंटू 5y, तो इसमें कोई इश्यू नहीं है, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 15, और x इंटू वाई करा तो 15xy आ गया। लेकिन एक गलती करते हैं, अगर बाहर तो है 3x और अंदर है x प्लस वाई, तो जनरली बच्चे इसमें गड़बड़ क्या करते हैं। देखिए ये एक आदमी बाहर खड़ा है, अंदर 2 आदमी बैठे हुए हैं, जैसे ही गेट खुलेगा ये इससे भी हमें हाथ मिलाएगा, यानी कि इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 3x इंटू x, 3x² हो जाएगा, और ये आदमी इससे भी हैंडशेक करेगा, यानी कि प्लस में 3xy हो जाएगा। जनरली बच्चे इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करके छोड़ देते हैं, इन दोनों को ना करके दोनों टर्म्स एक्स और वाई दोनों से, दिस इज द करेक्ट वन। आई होप ये आपको मिस्टेक मैंने बता दी, आप मल्टीप्लीकेशन में ध्यान रखोगे। सो एडिशन कब करेंगे, जब लाइक टर्म हो, ये आपको क्लियर होगा। अच्छा सेम सब्ट्रैक्शन में है, 8y माइनस में मैं 2y करूंगा, अगर ये लाइक टर्म है तो ही हम इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एडिशन आ गया, सब्ट्रैक्शन आ गया, आपको मल्टीप्लीकेशन का पता लग गया। डिवीजन तो कोई ज्यादा इश्यू नहीं है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 15xy है, इसको डिवाइड करते हैं 5x से, आपने लोअर क्लासेस में भी किया होगा, एक्स एक्स कैंसिल हो गया और 15 5 1 जा, यानी कि 3y आंसर आ गया। डिवीजन पार्ट आप कोई दिक्कत नहीं करेगा आपको। अब नेक्स्ट करते हैं, ये तो था अभी तक का बेसिक जो आप पढ़ चुके हो लोअर क्लासेस में, ये भी आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है। देखिए ये क्या कहते हैं, कहता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री का क्या मीनिंग कह रहे हैं, अगर किसी की हाईएस्ट पावर 1 होती है या डिग्री 1 होती है उसको लीनियर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल x+3, कोई पावर नहीं है तो ये लीनियर है। अब लीनियर वर्ड का मीनिंग आपने नोट करा होगा, लीनियर मीन स्ट्रेट, आपने लीनियर पेयर पढ़ा होगा, टू एंगल्स फॉर्म लीनियर पेयर इफ देर इज ए स्ट्रेट लाइन। ओके, व्हेन वी विल ड्रॉ ग्राफ स्ट्रेट लाइन विल अपियर। सो हाइएस्ट पावर, फॉर एग्जाम्पल टेक मी 1 मोर, x+y-8, दिस इज ऑल्सो ए लीनियर पॉलिनोमियल। सो वट इज द मीनिंग ऑफ क्वाड्रेटिक, इफ हाइएस्ट पावर इज 2, ओके, फॉर एग्जाम्पल x² + 7x, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वाड्रेटिक। सो नेक्स्ट लेट मी टेक 7 - 3x², इन दिस केस ऑल्सो दिस इज ए क्वाड्रेटिक। सो अगेन व्हाट अबाउट क्यूबिक, इफ हाइएस्ट पावर डिग्री, पावर मीन डिग्री इज 3, देन दैट इज कॉल्ड क्यूबिक। 7x की पावर 3 - 5, तब डिग्री और पावर इज 3, सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्यूबिक। x की पावर 2, x की पावर 3 - x, सो दिस इज इन ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। बाइक्वाड्रेटिक वी रेयरली स्टडी इन आवर क्लास, रेयरली। सो ओनली थिंग आई विल टू, हाईएस्ट पावर इन दिस केस इज 4, वी रेयरली। सो फॉर एग्जाम्पल x की पावर 4 + x, दिस इज ए बाइक्वाड्रेटिक। नाउ आई होप यू नो लीनियर, लीनियर इक्वेशन, वन वेरिएबल आप पढ़ा होगा आपने, क्वाड्रेटिक वी हैव चैप्टर, एंड क्यूबिक। सो दीज टू वी विल स्टडी इन डिटेल, सो क्यूबिक वी विल हैव लेटर ऑन। लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट। सी आवर नेक्स्ट इज, वी कैन ऑल्सो क्लासिफाई पॉलिनोमियल ऑन बेसिस ऑफ टर्म्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म्स, इफ देर इज वन टर्म, राइट, दैट इज कॉल्ड मोनोमियल। मोनो मीन्स सिंगल, और टर्म नोमियल, दिस नोमियल, ओके, मोनो दिस विल बी मोनोमियल, ओके, राइट। नाउ लेट गिव एन एग्जाम्पल, 7x, xyz, जनरली से सर इट इज ए ट्राइनोमियल, आंसर इज नो। देखिए टर्म्स कब, इफ देर इज ए प्लस साइन और देर इज ए माइनस साइन, देन ओनली टर्म्स आर डिफरेंट, राइट। टर्म्स तब अलग होंगी जब या प्लस या माइनस होगा। यहां पे मल्टीप्लाई का साइन है तो ये मोनोमियल ही होगी। अगर एक्स अपॉन वाई अगर आपसे पूछा जाएगा, ये भी मोनोमियल है। सो मोनोमियल होता है जहां पे सिंगल टर्म होती है। अच्छा बाइनोमियल, जैसे बाइक में किसका मीनिंग 2 होता है,
और नोमियल का मतलब टर्म्स होता है, यानी कि ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स हो, कैसे 7x प्लस में y, x प्लस में 2, ठीक, x स्क्वायर प्लस में 3, सो दीज टू एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल। नाउ ट्राई मीन आई होप ट्राई, ट्राइंगल आपने पढ़ा होगा, 3, नोमियल का मतलब क्या हो गया 3, जहां पे तीन टर्म्स होती हैं, x प्लस वाई प्लस जेड, राइट, x प्लस वाई माइनस 8, सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ ट्राइनोमियल। एंड द वर्ड पोली, सी हियर आई ऑल्सो राइट पोली, पोली मीन मैनी। इफ यू डो मोर देन थ्री अगर टर्म्स होती हैं तो हमको नाम नेमिंग करते नहीं, जनरली पोलिनोमियल कहते हैं, सभी ऑल आर पोलिनोमियल वी कैन से, ये तो स्पेसिफिक नेम है, पोली का मतलब मैनी होता है, सो मोर देन अगर थ्री होती हैं तो हम उसको पोलिनोमियल बोल देते हैं। और पोलिनोमियल में आपने पोली वर्ड पढ़ा होगा, आपने देखा पोली वर्ड पढ़ा होगा आपने पोलीगन में, फिर आपने साइंस में पोलीमर और मोनोमर पढ़े होंगे, आई होप यू ही आपने पढ़ा होगा, तो पोली का मतलब यहाँ पे मैनी हो जाता है। देखिए अभी तक मैंने क्या किया, टर्म्स के बेसिस पे, सिंगल टर्म अगर है तो आपको मोनोमियल, अगर बाइनोमियल कब होगी जब दो टर्म्स होंगी, और टर्म्स कब अलग होती हैं जब प्लस और माइनस होता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड होने पे टर्म्स अलग नहीं होती। ट्राइनोमियल में थ्री टर्म्स होती हैं, पोलिनोमियल में मोर देन थ्री होती है, तो नेमिंग। आई होप यहां तक आपको डाउट नहीं होगा, कुछ नेक्स्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये नाइन्थ स्टैंडर्ड का है, कहते हैं व्हाट आर द मीनिंग ऑफ जीरोज और रूट ऑफ ए पॉलिनोमियल और सॉल्यूशन। देखिए मैं एक चीज सिंपल बताऊं आपको समझाने के लिए, कि वर्ड सॉल्यूशन आ जाए, वर्ड जीरोज आ जाए, जीरोज हालांकि थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, या वर्ड रूट आ जाए, ये ऑलमोस्ट एक ही मीनिंग सिग्निफाई करते हैं, हालांकि थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं लेकिन कोशिश करता हूं समझाने की। क्या है देखिए, ये पीएक्स क्या है, पहले तो ये बताता हूं, किसी भी पॉलिनोमियल को हम शॉर्ट फॉर्म में पॉलिनोमियल ना लिख के पीएक्स लिख देते हैं, फिर हम पीवाई कब लिखेंगे, देखिए पीएक्स इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये एक्स जो वेरिएबल एक्स में है, अच्छा पीवाई कब लिखेंगे पॉलिनोमियल में, अगर ये वाई में वेरिएबल में है, पीजेड कब लिखेंगे, अगर जितनी भी टर्म्स हैं वो जेड में होंगी, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में पॉलिनोमियल को पीएक्स लिख देता हूं। अब बात करते हैं, कहता है भाई सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए एक्स माइनस वन इज इक्वल टू अगर यहां पे वन है, या वहां पे मैं जीरो ले लेता हूं, ठीक है, एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो है, और इसको मैं चेंज भी कर सकता हूं, आई कैन राइट एनी नंबर, आई होप इजी वाला ही ले लेते हैं, सो इजी वाला ये है कि अब बताइए कि एक्स की किस वैल्यू पर ये जीरो बनेगा, यानी कि क्या एक्स की जगह पे हम क्या रखें कि जीरो आ जाए, तो आप सीधे कहोगे सर एक्स की वैल्यू वन रख दीजिए, ये वन जो है ये इसका सॉल्यूशन कहलाएगा इस पॉलिनोमियल का। दूसरे लैंग्वेज में मैं आपसे पूछूं कि क्या रखने पर जीरो आ जाए, तो अगेन आपका आंसर वन है, तो वन जो है यहां पे इसको हम रूट या जीरो भी बोल देते हैं, यानी कि जीरोज होती हैं वो वैल्यू जो पुट करने पर राइट हैंड साइड के बराबर आ जाते हैं, जीरो आ जाते हैं, ठीक है। एक और ले लेते हैं, एक दूसरी चीज बताता हूं, देखिए कितनी जीरोज होती हैं, जितनी पावर होती है ना, नंबर ऑफ जीरोज या नंबर ऑफ रूट जो है वो बराबर होंगे डिग्री के। आप बोलोगे सर कैसे, भाई एक्स प्लस में थ्री इज इक्वल टू सेवन, इसकी डिग्री वन है तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन है एक्स इज इक्वल टू फोर, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन अगर आप नोट करो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर है, अब इसकी तो डिग्री टू है, अगर इसकी डिग्री टू है तो आपसे पूछा जाएगा इसके कितने रूट हैं, कितने सॉल्यूशन है, दो होंगे, एक टू है, एक्स को टू का स्क्वायर करोगे तो भी फोर आएगा, और माइनस टू का स्क्वायर करोगे तो भी फोर आएगा, यानी कि यहां पे एक्स की वैल्यू दो है। अगर मैं बात करता हूं नेक्स्ट पावर थ्री, किसी भी पॉलिनोमियल की बात कर लेते हैं, एक्स की पावर थ्री प्लस में टू एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में एट, इस केस में जो रूट्स होंगे ना, नंबर ऑफ रूट्स, ये आप आगे पढ़ोगे हायर उसमें नेक्स्ट एज में, नंबर ऑफ रूट्स यहां पे थ्री होंगे, क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री थ्री है, सो ये हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। आई होप आपको मैंने क्लियर किया है कि भाई जीरो का क्या मीनिंग है, जीरो होता है एक्स की वो वैल्यू जो पुट करने पर उसको जीरो बना दे राइट हैंड साइड, रूट और सॉल्यूशन का भी मीनिंग वही है। देखिए मैंने एक चीज बड़ा अच्छा बताया कि भाई डिग्री डिसाइड करती है कि उसके कितने रूट्स होंगे, रियल रूट्स, इसमें नॉट रियल के भी आ जाते हैं,
एक बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि भाई जीरो पॉलिनोमियल की बात कर दे, कि जीरो पॉलिनोमियल तो जीरो होता है और जीरो एक्स की कुछ भी वैल्यू रखो आंसर में जीरो आएगा, तो एवरी रियल नंबर इज ए जीरो ऑफ ए जीरो पॉलिनोमियल। ये कई बार 1 मार्क्स का एमसीक्यू में पूछ लेते हैं, तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आ जाता है आपका 11th। ये क्या है 11 नंबर वाला, कहता है भाई सॉल्यूशन निकालने की बात करी ना, तो कितने मेथड होते हैं सॉल्यूशन निकालने के? जनरली हम 3 मेथड पढ़ते हैं, हिट एंड ट्रायल, ट्रायल एंड एरर मेथड, ट्रांसपोजिशन मेथड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यही हम करते हैं। और सिस्टमेटिक, सिस्टमेटिक जब जनरली हम ना इनइक्वलिटीज में करेंगे, हम 11th स्टैंडर्ड पढ़ते हैं ना तब करते हैं बहुत कम, तो मैं इनमें डिफरेंस बताता हूँ। देखिए ट्रायल और एरर मेथड क्या कहते हैं, देखिए आपने किसी शोरूम में ट्रायल रूम सुना होगा, हम क्या करते हैं ट्रायल चेक करते हैं कि हमारे फिट आ रहा है कि नहीं, यानी कि एक्स इजक्वल टू 1 पुट करके देखते हैं। मैंने पुट एक्स इजक्वल टू 1 रखा, तो 1 रखा तो 1 + 3 जो है वो तो 4 आया, और 7 ने आना चाहिए था, तो ये इसका रूट नहीं है। फिर 1 की जगह पे मैं क्या पुट करके देखता हूँ, 2 पुट करके देखता हूँ। जब मैंने 2 पुट करा, 2 + 3 तो 5 आया, अगेन ये 7 के बराबर नहीं है। मैं यहाँ पे x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करके देख रहा हूँ। फिर मैंने 3 पुट करके देखा x की जगह पे, जब 3 पुट करा यहाँ पे पुट x इक्वल टू 3 आपको लिखना पड़ेगा, 3 पुट करा तो भैया ये भी 6 आया, इसके बराबर नहीं आता, यानी कि 4 रखा तो उस केस में ये 7 आ गया, ये इसका सॉल्यूशन कहलाएगा। लेकिन ये मेथड जो है ना ट्रायल मेथड, ये टाइम कंज्यूमिंग है, राइट? ये कहां यूज होता है? जनरली एमसीक्यू क्वेश्चंस में इसको यूज करते हैं ऑप्शन से। ट्रांसपोजिशन मेथड है वो मैक्सिमम यूज होगा, ये मैक्सिमम यूज होते हैं और जनरली बच्चे ये भी करते हैं। ये मेथड क्या कहता है भाई, एक्स की वैल्यू निकालनी है ना, प्लस का साइन जो है वो अगर ट्रांसपोज होगा तो माइनस बन जाएगा, और माइनस अगर ट्रांसपोज होगा तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, और मल्टीप्लाई ट्रांसपोज होगा तो डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड ट्रांसपोज होगा तो मल्टीप्लाई। फॉर एग्जांपल ये प्लस का साइन है वहां जाएगा तो ये सीधा है, एक्स माइनस 3 करेंगे और देखिए 4 आंसर आ गया। मैं सेम क्वेश्चन को ट्रांसपोजिशन से भी कर रहा हूं, सेम क्वेश्चन को ट्रायल और एरर से, दोनों में आंसर 4 आया। अब देखिए जनरली बच्चे एक में अटक जाते हैं, सर ये बताइए 2x - 3 = 7 है, 2 को पहले वहां भेजे हैं माइनस 3 को, सब देखिए सबसे दूर वाला जाएगा, x के पास में 2 और 3 में से 2 पास में, पहले 3 को भेज दीजिए। जब मैंने इसको भेजा तो 7 + 3 = 10 हो गया। अब मैं 2 को भेजूंगा, ये 2 तो मल्टीप्लाई में है, 10 से डिवाइड करूंगा और आंसर कितना आ गया, 5 आ गया। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट सिस्टमेटिक मेथड, सिस्टमेटिक मेथड क्या कहता है, कहता है भाई डू ऑपरेशन बोथ साइड, जो चीज करोगे ना वो दोनों तरफ करेगी, ये सिस्टमेटिक है। कैसे? ये कहता है कि भाई ये जो इक्वल टू का साइन है वो एक तराजू की तरह है, अगर ये दोनों बराबर हैं तो ऐड करना है तो भी दोनों तरफ करो, माइनस करना है दोनों तरफ करो। देखिए कैसे, मुझे एक्स चाहिए यहां पे, तो इसको अकेला बनाने के लिए प्लस 3 हटाना पड़ेगा, प्लस 3 कैसे हट सकता है, अगर मैं सबट्रैक्ट 3 बोथ साइड कर दूं, सबट्रैक्ट 3 बोथ साइड, ये बोथ साइड अगर मैं करता हूं तो देखिए मेरी जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो और राइट हैंड साइड में माइनस 3 करा तो ये तो कैंसिल हो गया, यानी कि एक्स बचा और यहां से क्या बचा, 4 बचा, ये इसका सॉल्यूशन आ गया। देखिए तीनों मेथड से सेम क्वेश्चन मैंने लिया और तीनों मेथड में आंसर क्या है, सेम आया। ये आपका टाइम सेविंग ट्रिक है, ट्रांसपोजिशन से करेंगे, सिस्टमेटिक जनरली हम इनइक्वालिटीज में ज्यादा करते हैं। आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट करते हैं, नाउ आवर टास्क इज टू डू एक्सरसाइज क्वेश्चन। सो फर्स्ट एक्सरसाइज, आई होप नाउ कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर टू यू। सो फर्स्ट एक्सरसाइज का मैं क्वेश्चन ले लेता हूं। देखिए व्हाट इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई टर्म्स, हमें पहले अटेम्प्ट्स करना है, फिर कोफिशियंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो मुझे टर्म्स भी लिखनी है और कोफिशियंट लिखनी है। मैंने टेबुलर फॉर्म में क्यों किया है, इससे आप गलती नहीं करोगे। देखिए कैसे कर रहे हैं, मैं दो पार्ट करता हूं। फर्स्ट देखते हैं, इस क्वेश्चन में कितनी टर्म्स है, दो टर्म्स है, दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म। तो मैं ऐसे लिख देता हूं 5xyz², ये फर्स्ट टर्म है, और ये वाली जो टर्म है, देखिए आपको साइन लिखना पड़ेगा, यहां माइनस 3zy।
अब हमसे क्या पूछे कोफिशियंट, कोफिशियंट होता है जो न्यूमेरिकल पार्ट होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है किसी टर्म के आगे, उस न्यूमेरिकल वैल्यू को हम कोफिशियंट कहते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो। यहां पे कोफिशियंट क्या होगा, यहां 5 हो जाएगा, तो इसका कोफिशियंट हो जाएगा 5, यहां पे क्या हो जाएगा -3, आपको 3 नहीं लिखना है, -3 लिखना है, साइन भी लिखना है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। एक क्वेश्चन और ले लेता हूं जो आपको थोड़ा सा बेटर और समझाएगा, इस क्वेश्चन को ले लेते हैं सेकेंड वाले को, बाकी में क्लास वर्क है। इसमें 3 टर्म्स है, 1x x2। देखिए जिसके आगे कुछ भी कोफिशियंट नहीं होता वो 1 होता है, इसके आगे भी कुछ नहीं है तो 1 होता है, 1 का कोफिशियंट तो वैसे 1 ही लिखोगे, इसका आगे कोफिशियंट भी 1 हो गया और एक्स स्क्वायर के आगे वाला कोफिशियंट भी 1 हो गया। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब ये एक लास्ट वाला जो फिफ्थ पार्ट है, ये मैं इस तरह से टर्म्स लिख देता हूं x/2, ठीक है, जो नेक्स्ट टर्म हो जाएगी वो हो जाएगी y/2 और लास्ट में हो जाएगी -xy। इसका कोफिशियंट क्या हो जाएगा, ये 1/2 होगा, एग्री, y/2 का कोफिशियंट क्या होगा, अगेन 1/2 होगा और लास्ट वाले का जो कोफिशियंट है वो -1 होगा। रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो आपके होमवर्क रहेंगे। नेक्स्ट ले लेता हूं, मेरा फेवरेट आ गया, बच्चे कभी भी गलती नहीं करते इसमें। क्वेश्चन है कि आप बताइए विच आर द मोनोमियल, विच आर बाइनोमियल। मोनोमियल होता है जिसकी 1 टर्म हो, बाइनोमियल बाई का मतलब होता है जिसमें 2 टर्म्स हो, ट्राइनोमियल 3 टर्म्स होती हैं। और कहता है अगर पॉलीनोमियल विच डू नॉट फिट एनी कैटेगरी, यानी कि मोर देन 3 वाले। सबसे पहले मोनोमियल देखते हैं। देखिए सबसे पहले आप ऐसे करिए, एक्स प्लस वाई जो है ये किस कैटेगरी में आएगा, ये आ जाएगा बाइनोमियल में, मैंने फर्स्ट इसमें 2 टर्म्स हैं। फिर 1000 अकेला है, बीच में कोमा है, 1000 है वो है आपका मोनोमियल, एग्री। अब नेक्स्ट आ जाते हैं एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब और एक्स की पावर 4, इसमें तो 4 टर्म है, तो ये इस कैटेगरी में हम लिखेंगे यहां पे, यानी कि एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4। आई होप नाउ इट इज क्लियर टू यू। ये मैं आप पे होमवर्क छोड़ देता हूं, रिमेनिंग है वो आप कर लोगे। एक और कर देता हूं लास्ट में, जिसकी यहां पे आप नोट करें तो 3 टर्म्स हैं, जो ट्राइनोमियल होगा 7 + y + 5x। सो रिमेनिंग लेट मी राइट होमवर्क, आई होप आपको समझ में आ गया। एक मैं क्वेश्चन पूछता हूं अक्सर बच्चों को कि भाई आप ये बताइए एक्स वाई जेड ये मोनोमियल है या बाइनोमियल है ट्राइनोमियल है। आंसर है कि ये मोनोमियल है। क्यों मोनोमियल है, क्योंकि जो टर्म्स होती है ना उनके बीच में प्लस या माइनस होना चाहिए। दो देखिए यहां पे प्लस आ गया तो ये 2 टर्म्स बाइनोमियल हुई, तो ये जनरली बच्चे हैं वो ट्राइनोमियल करते हैं, गलत है, ये मोनोमियल होगा। आगे नेक्स्ट डिवीजन अगर आ जाए तब क्या करेंगे, सर इस केस में जनरली बच्चे ये भी मोनोमियल होगा। आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं, प्लस और माइनस जो है वो टर्म्स अलग करते हैं, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना जो है उससे टर्म्स अलग नहीं होती। क्वेश्चन 3 पे आते हैं, आई होप इट इज क्लियर। देखिए भाई सबसे इंटरेस्टिंग आ गई, कहता है कि ऐड करो। आपको मैंने पता है ना कि ओनली लाइक टर्म्स है ना उन्हीं को ऐड कर सकते हैं, उन्हीं को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लाइक टर्म्स होता है जिनका सेम वेरिएबल है। अगर आपको मैं रिकैप्चुलेट करूं, सेम वेरिएबल को लाइक टर्म्स बोलते हैं, नंबर को लेना देना नहीं होता इसमें। स्टार्ट करते हैं। इन दिस केस देर आर 3 एक्सप्रेशन, दिस इज फर्स्ट वन, दिस इज सेकेंड वन, दिस इज थर्ड वन, कोमा है, सो मैंने इन तीनों को लिखा, राइट, दिस इज माई फर्स्ट। ऐड करना है तो मैंने प्लस का साइन लिख दिया। अब मैं देखिए ए बी जो है वो ए बी इसके साथ में लिख दिया, लाइक टर्म्स को मैं कंबाइंड लिखूंगा, एंड प्लीज मेक श्योर साइन के साथ आप लिखोगे, ठीक है। बी सी है, ये दोनों बी सी, इनको मैं साथ लिखूंगा। आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। और जो सी ए है, और देखिए आप सी ए लिखो या ए सी लिखो एक ही बात है। फिर आप पूछोगे सर मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है, देखिए जो अल्फाबेट पहले आता है इंग्लिश में उसको आप पहले लिख दीजिए, लेकिन ये होते दोनों हैं, सेम चीज है, बट ये ज्यादा बेटर है। अब मेरा जो नेक्स्ट है ना, आफ्टर कंबाइनिंग लाइक टर्म, ये प्लस और माइनस कैंसिल हो रहा है, जीरो आ गया, ये माइनस प्लस कैंसिल जीरो हो गया, ये प्लस माइनस कैंसिल जीरो, आंसर मेरा जीरो आ गया। एक और मेथड है, जनरली कहते हैं बच्चे सर मेरे टीचर ने वर्टिकल मेथड बताया। देखिए मैं प्रेफर करता हूं हॉरिजेंटल मेथड, क्यों, क्योंकि सीनियर क्लासेस में हम जनरली हॉरिजेंटल करते हैं, लेकिन वर्टिकल भी करेक्ट है, वर्टिकल करते हैं, इस केस में करते हैं। क्वेश्चन ये जो फर्स्ट है ना, ये मैंने लिखा एल स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर,
सेकेंड है एम और एन. देखिए लाइक टर्म के नीचे लिखेंगे, ये वाली टर्म है मैं एम स्केयर के नीचे लिखूंगा, और एन स्केयर है नहीं तो मैंने यहां पे लिख दिया. फिर नेक्स्ट जो है वो एन स्केयर और एल स्केयर है, तो एन स्केयर ये होगी एन स्केयर के नीचे, और यहां पे एल स्केयर कह रहा है तो एल स्केयर. तो देखिए अब इस केस में मुझे आपको ये बताना है कि ये एन स्केयर तो मैंने एज इट इज लिखा राइट, और एल स्केयर के नीचे एल स्केयर यहां पर लिख दूंगा मैं. आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा. नाउ नेक्स्ट आता है ये तीनों जो टर्म है ना ये अलग अलग हैं, तो मैंने यहां पे लिख दिया 2LM प्लस 2MN प्लस 2NL राइट. अब इनको ऐड करते हैं, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था ना एडिशन. अब किसी का कोफिशियंट कुछ नहीं होता तो वन होता है, याद रखना है आपको राइट. वन और वन ये क्या हो गया 2L स्क्वायर प्लस ये वन है, ये दोनों अगर मैं करूंगा दोनों को ऐड करूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा 2m स्क्वायर, इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस में 2n स्क्वायर, और ये अकेले सिंगल टर्म है तो आई विल राइट एज इट इज 2lm 2mn और 2nl, ये मेरा आंसर है. ज्यादा से ज्यादा मैं कॉमन ले सकता हूं 2, बट दिस इज करेक्ट ऑल्सो. इसको कहते हैं होरिजेंटल वे, बट आप मुझसे पूछो तो मेरा जो मेथड है ना वो ये है कि आप होरिजेंटल कर लीजिए क्योंकि आप इसमें कंफर्टेबल होगे, और नहीं है तो वर्टिकल से भी कभी गलती नहीं होती. नेक्स्ट करते हैं, ये हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है फर्स्ट का. कहते सब्ट्रैक्ट, मैं एक पार्ट ले लेता हूं बी वाला, ये मैं होमवर्क लिख देता हूं. सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस. देखिए जनरली बच्चे पता है गलती क्या करते हैं, सर पहले क्या लिखें 3xy वाली टर्म लिखें या 5xy. मैं कभी भी आप अटक जाओ तो ये देखिए आप, सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 7 का मीनिंग क्या है, 7 पहले आएगा और 3 बाद में आएगा, एग्री. सिमिलरली फ्रॉम के बाद जो टर्म है ना ये पहले लिखोगे आप, यानी कि 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx और प्लस का 10xyz. इसको मैंने एक ब्रैकेट बना लिया. अगला ब्रैकेट है मेरा कि अब मैं ये टर्म लिखूंगा. देखिए इसने सब्ट्रैक्ट कहा है तो प्लीज मेक श्योर कभी भी ऐसे केस में माइनस आता है तो ब्रैकेट में टर्म लिखिए, तो मैं इसको पहले लिख देता हूं 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx. सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए इसके आगे तो प्लस का साइन है तो कोई इशू ही नहीं है, एज इट इज लिख दोगे आप 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx और प्लस में 10xyz. लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो ये आती है यहां पे कि आपके अगर नेगेटिव साइन बाहर आ जाते हैं सारे साइन चेंज हो जाएगा. ये देखिए हो जाएगा माइनस का 3xy, ये जो प्लस है ना ये हो जाएगा माइनस का 5yz, ये माइनस है ना ये हो जाएगा प्लस का 7zx. आपको मुझे समझाना कि अगर माइनस बाहर हो जाता है तो प्लीज मेक श्योर ये माइनस ए प्लस है ना ये साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का. ये गलती ज्यादातर बच्चे करते हैं. आई होप इट इज क्लियर टू यू. मेरा लास्ट स्टेप है लाइक टर्म ढूंढिए 5xy और माइनस 3xy, इनको मैंने रखा साथ में, ये फ्रेंड है, जो लाइक टर्म्स है वो फ्रेंड्स होते हैं, एग्री. नाउ माइनस का 2yz यहां पे है और माइनस का 5yz. आई होप माइनस 2yz और माइनस 5yz ये मैंने एक साथ लिखे विद साइन यू हैव टू कट और पेस्ट. माइनस का 2zx और प्लस का 7zx है, यानी कि ये जो 2 है ये zx माइनस का है एंड 7zx इज द पॉजिटिव वन. And there is no friend of this. So this I will write alone. 10xyz. So what is my last line? Last line is, अब आप number को minus कीजिए. 5 minus 3 क्या होता है? 2. तो यहां से 2xy आया. इस term से. Minus का 2 minus का 5 कितना होता है integer में? Minus का 7yz आया. यहां से. Right? From minus 2 और plus का 7, ये हो जाएगा plus का 5. आई होप इंटीजर आपको आता होगा एंड दिस विल बी एज इट इज 10xyz. आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, दिस इज माई आंसर. नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं. सीखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज और भी इजी है. अब हम मल्टीप्लाई करना सीखेंगे, हाउ टू मल्टीप्लाई. द फर्स्ट स्टेप इज, फर्स्ट आई विल टेल यू मोनोमियल को मोनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करें. ओके, सो लेट मी टेक वन एग्जांपल. मैं ये एग्जांपल ले लेता हूं. आई थिंक माइनस 4p प्लस 7q. पहले नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए. माइनस 4 इंटू 7 कर दिया.
आई होप ये मैंने लिखा। इसी के बाद में आप लिखिए एलजेब्रिक टर्म्स को, यहां से पी है सो मैंने यहां पे लिखा पी, और यहां पे पी क्यू है आई राइट पी क्यू। अब देखिए नंबर को मल्टीप्लाई किया तो -28 और पी इंटू पी क्या होता है पी स्क्वायर और क्यू इज सेपरेट। दिस इज माई आंसर। आई होप देर इज नो प्रॉब्लम विद दिस। एक लास्ट ले लेते सेकेंड, बाकी आप होमवर्क कर लेंगे। क्वेश्चन टू है कि भैया फाइंड द एरिया, रेक्टेंगल है ना, आई होप आपको पता है ये रेक्टेंगल होता है, तो इसकी लेंथ और ब्रेड्थ अगर दे रखी है तो एरिया तो क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है ना। मैं इस पार्ट को ले लेता हूं, ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में 3 mm जो है वो लेंथ है और ये 4 nmp ये विड्थ है यानी कि ब्रेड्थ है। एरिया निकाला, एरिया का फार्मूला आपने लिख दिया, तो आपको 3 mm मल्टीप्लाई 4 n। देखिए जनरली बच्चे पूछेंगे सर ये डॉट क्या लिख रहे हो, एलजेब्रा में ना हम x इंटू एक्स को ये है ना ये मल्टीप्लाई का साइन होता है। क्यों होता है, क्योंकि कई बार हमारा जो मल्टीप्लीकेशन है वो x की तरह दिखता है, तो कंफ्यूजन ना हो। सो डॉट मीन मल्टीप्लाई। नाउ आंसर इज 3 × 4 = 12। m का कोई है नहीं एज इट इज, लेकिन n इट इज कमिंग 2 times तो n स्क्वायर हो जाएगा p। दिस इज आंसर, ये एरिया आ गया हमारा। आई होप रिमेनिंग ये जो पार्ट है आप होमवर्क लिख देता हूं। नेक्स्ट ले लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन है वॉल्यूम निकालिए, अगेन सेम चीज है, इसमें 3 terms है। मैं थर्ड क्वेश्चन ले लेता हूं, इस क्वेश्चन को आप जनरली बच्चे पूछते हैं। ये मैंने लेंथ मान ली, एक्स वाई लेंथ ले ली, राइट। अब ये जो है 2xy इसको मैंने विड्थ माना, ब्रेथ, और 2xy स्क्वायर है ये h। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। मुझे मल्टीप्लाई करना है, एल की जगह पे क्या लिखा एक्स वाई मल्टीप्लाई 2x² y मल्टीप्लाई 2xy², राइट। नाउ आई थिंक सबसे पहला स्टेप होता है टू फाइंड नंबर। नंबर हमारे क्या है, यहां से 2 है और यहां से 2 है, 2 × 2 = 4। नाउ x x 1 x² और ये x, x जो है ना यहां पे हमारा 4 times आया है, ये आ गया 1 power, यहां 2 power और यहां पे 1 power। y अगर आप देखें तो y दिस इज 1, दिस इज अगेन 1 और y भी 4 आया है। आई होप दिस इज आवर वॉल्यूम, ये हमसे पूछा गया था। सेम यू विल डू इन दिस केस ऑल्सो। देखिए तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, तो रिसेंटली आई डिड। आई होप ये आपको मैं सारों को होमवर्क लिख देता हूं बिकॉज देर इज नथिंग न्यू। नेक्स्ट लेट्स गो फॉर आवर एक्सरसाइज ओवर, नेक्स्ट एक्सरसाइज ले लेते हैं। देखिए 9.3 एक्सरसाइज में अब हमारा नेक्स्ट आता है, एक तरफ तो मोनोमियल है देन बाइनोमियल, राइट। फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस मैंने थर्ड पार्ट लिया तो ये हमें मल्टीप्लाई करने के लिए दे रहा है, क्वेश्चन में पूछा है कैरी आउट द मल्टीप्लीकेशन। पहले मैं मोनोमियल लिख लिया, लिखा फिर बाइनोमियल ए प्लस बी रखा, एंड दिस इज सेम थिंग। ये देखिए आप कैसे समझोगे कि एक फ्रेंड बाहर खड़ा है, जैसे ही ये ब्रैकेट खुलेगा ना ये फर्स्ट फ्रेंड से जाके हाथ मिलाएगा, यानी कि 7a² b² और इनटू इससे हाथ मिलाएगा। फिर जैसे ही डोर खुलेगा ये दूसरे से भी हैंडशेक करेगा, यानी कि 7a² b² और ये b के साथ भी होगा। नाउ आपको आता ही है ये a² और a को करा तो 7a³ b² होता है, प्लस अगर b² को b से करोगे तो 7a² b³ आएगा। दिस इज आंसर। अब मैं आपको गलती बता देता हूं, जनरली बच्चे गलती क्या करते हैं। माय टीचिंग कैरियर में मैंने ये क्वेश्चन दिया था 7a और a प्लस में b, जनरली बच्चे ये मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं 7a² प्लस में b, बिल्कुल रॉन्ग है, वो इसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं जो कि मिस्टेक है। आई होप मैंने आपको गलती भी बता दी। रिमेनिंग क्वेश्चंस आर योर होमवर्क, लेट्स गो फॉर नेक्स्ट। देखिए इस केस में अगेन क्वेश्चन इज फाइंड द प्रोडक्ट। व्हेन वी हैव टू मल्टीप्लाई ना, फर्स्ट इस नंबर को नंबर से 2 × 4 किया, a² लाइक टर्म है, a² a^22 a^26। नाउ इन दिस केस 4 × 2 = 8, राइट। बट हियर सेम बेस है, आई होप एक्सपोनेंट चैप्टर यू हैव डन, ये बेस इज सेम, आई कैन ऐड दीज टू। इफ आई विल ऐड दीज टू व्हाट विल बी द आंसर, a^50। सो दिस इज इजी वन। दिस क्वेश्चन बाई आस बाई वन ऑफ द माई स्टूडेंट, लेट मी एक्सप्लेन। ही सेड कि सर फ्रैक्शन है, देर इज नो प्रॉब्लम, फर्स्ट मल्टीप्लाई द नंबर, राइट, देन मल्टीप्लाई एक्स वाई है, इसको x² y² से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। पहले चेक करिए कट हो रहे हैं क्या, आपको फर्स्ट स्टेप ये ध्यान में देना है, इफ इट इज कट लाइक
आई कैन कट टू वन जा टू फाइव जा थ्री वन जा और थ्री थ्री जा, सो मेरा बचा माइनस का थ्री बाई फाइव। एक्स इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स की पावर थ्री। वाई इंटू वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, वाई की पावर थ्री। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन जो है ये एग्जाम में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट लिख देता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर बार आता है। पहले कह रहे सिंप्लीफाई, पहला स्टेप, फिर फाइंड्स वैल्यू। दो चीजें इसमें, सिंप्लीफाई का मीनिंग है अगर मुझे सिंप्लीफाई करना है तो उसका मीनिंग ये होता है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई करें और फिर डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड। यहां पे मल्टीप्लाई है, 3x पहले इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 12x into x, x square, 3x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 15x, और फिर ये प्लस 3x था एज इट इज, आई विल राइट। सो दिस इज माय मल्टीप्लीकेशन पार्ट। बट अब मुझसे क्या पूछा है, देखिए ऐड तो नहीं हो रहा क्योंकि लाइक टर्म नहीं है। अब मैं कहता हूं फाइंड द वैल्यू, दो क्वेश्चन है, x इज इक्वल टू 3 पुट करो। देखिए इस क्वेश्चन में मैं क्या करता हूं, इसी क्वेश्चन को मैं पुट x इज इक्वल टू 3 ले लेता हूं। तो जहां जहां x है मैं 3 पुट करता हूं, वैल्यू निकालते हैं। ये जो 12 है इसके बाद में 3 रखूंगा, 2 पावर आएगी। ये जो 15 है यहां पे x की जगह पे मैं 3 रखूंगा और 3 एज इट इज है बिकॉज देर इज नो x वैल्यू। ये हो जाएगा 12 इंटू 9, ये हो जाएगा 45, ये प्लस 3, 12 इंटू 9 इज 108 एंड दिस इज, इन दोनों को मैंने सिंप्लीफाई किया, माइनस का 42। आई होप दिस यू विल डू योर ओन। बट देर इज वन मोर पार्ट, x बाई 2, दो पार्ट है इसमें। वट वी हैव टू डू इन दिस केस, I have to put x is equal to 1 by 2. Where I will put in this algebraic expression? So I will write value. और जहां जहां पे x है पहले मैं लिख देता हूं पूरी algebraic expression. So this is algebraic expression. In this algebraic expression, I will put 1 by 2 in place of x. Fine. So in place of x, I am writing 1 by 2. 1 by 2 square is 1 by 4. Now this is 15 by 2. And this is plus 3. So it is, when I will cancel 4, 1 ja, 4, 3 ja. So the answer is 3 minus, this is 7.5. If I divide, this is plus 3. So it is, answer is 6 minus 7.5. Minus 1.5 is the answer. I hope you will do this. Remaining part, jo hai B part, again you will able to do if you understand this. देखिए अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन है कि मल्टीप्लाई कीजिए, सॉरी ऐड करना है। देर आर थ्री एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, बट ये ऐड करने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट को सिंप्लीफाई। पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, पी इंटू पी पी स्क्वेयर, पी इंटू माइनस माइनस पी क्यू, एग्री। अब मैं नेक्स्ट टर्म ले लेता हूं, उसका भी ब्रैकेट ओपन करता हूं। व्हाट इज नेक्स्ट टर्म, q into q, this is q square, q into r, this is minus qr, and अब आ जाते हैं इसमें जो मेरी थर्ड टर्म है, r into r, this is r square, और r into minus p pr। अब मेरा टर्म है कि लाइक टर्म्स हैं क्या, p square is alone, okay, फिर q square alone है, फिर r square alone है, so there is no like term. From here I will write minus pq, if I write minus qr and minus pr, this is the answer. Generally some student ask me, sir मैंने p square के बाद minus pq लिख दिया, then लिखा तो wrong होगा? नहीं, wrong नहीं होगा, but हम generally जो power ज्यादा होती है उसको पहले लिखते हैं और फिर हम decrease करते जाते हैं। And now इस video का जो last exercise है वो हम करेंगे, okay, let's see. मल्टीप्लाई करना है बाइनोमियल इनटू बाइनोमियल, एग्री। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम, हाउ विल यू डू, देखिए यहां पे ये जो वाई है ना, ये वाई द होल ब्रैकेट के आगे आ जाएगी, यानी कि 3y माइनस 4 आ जाएगा, एग्री। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये जो माइनस 8 है ना, ये भी ऐसे ही होगा, ये होल ब्रैकेट के आगे आके यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे होल ब्रैकेट से। So I hope now it is easy. What is y into 3y? आप बोलोगे sir it is 3y square. Y into minus 4, this is minus 4y. Minus 8 into 3y, this is minus 24y. Minus 8 into minus 4, this is plus 32. Plus 24. Agree?
नाउ लाइक टर्म्स अगर हैं तो इनको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको. सो व्हाट इज द आंसर? माइनस फोर और ये माइनस, दिस इज माइनस का 28y, दिस इज द आंसर. आई होप आप कर लेंगे. ये मैं आपको होमवर्क लिख देता हूं. बाइनोमियल का जो मल्टीप्लीकेशन है बाइनोमियल से, ये इसका एग्जाम्पल था. अब देखिए दिस क्वेश्चन यू विल फाइंड लिटिल बिट डिफरेंट. क्वेश्चन कह रहा है सेम तरीका है, कहते हैं भाई मल्टीप्लाई करो. तो ये जो 5 है ना, ये इस पूरे ब्रैकेट के आगे लिख दिया मैंने, लिख दिया. अब माइनस 2x है, ये भी पूरे ब्रैकेट के आगे लिख दिया. सेम मैंने किया है तो 5 × 3 आई हो 15. 5 × x करा, दिस इज प्लस का 5x. माइनस 2x × 3 माइनस का 6x. माइनस 2x × x करा, सो दिस इज माइनस 2x². नाउ लाइक टर्म में देखिए, ये दोनों लाइक है. सो आई विल राइट 15 माइनस, सिंप्लीफाई करा तो 1x आएगा. अब बताए आंसर में क्या लिखते हैं? हाईएस्ट पावर को पहले लिखते हैं, माइनस 2x² को पहले लिखा, फिर माइनस x को लिखा, फिर 15 को लिखा. सो दिस इज माई आंसर. आई होप दिस पार्ट आई विल राइट योर होमवर्क और क्लास वर्क. नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो. ओके, इन दिस क्वेश्चन हमसे ट्राइनोमियल इंटू ट्राइनोमियल पूछा गया है, बस मल्टीप्लीकेशन सेम है. देखिए कैसे, ये जो ए है ना, आई विल मल्टीप्लाई विद कंप्लीट दिस ब्रैकेट. ए को मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, आप देखिए यहां मैं ब्रैकेट के बाहर लिख दिया. ये जो बी है ना, आई विल अगेन मल्टीप्लाई विद दिस ब्रैकेट. बी है, इस पूरे ब्रैकेट के बाहर रख दिया. नाउ जो ये सी है, इन आई विल मल्टीप्लाई विद द होल ब्रैकेट, ये भी इसके ब्रैकेट के बाहर रख दिया. अब ब्रैकेट ओपन करते हैं. ए इंटू ए, दिस इज ए स्क्वेयर. ए इंटू बी, दिस इज ए बी. ए इंटू सी, दिस इज माइनस का ए सी. आई होप क्लियर. अब मैं नेक्स्ट ले लेता हूं और नेक्स्ट टर्म्स को सिंप्लीफाई करता हूं. देखिए नेक्स्ट टर्म क्या है, बी इंटू ए. सो आई विल राइट ए बी, बी ए नहीं लिखूंगा, एक ही बात है, लेकिन ये पहले आता है. बी इंटू बी, मैंने यहां पे बी स्क्वेयर लिखा, एंड बी इंटू माइनस सी करा तो माइनस बी सी. लाइक इन दिस केस सी इंटू ए, सो आई विल राइट ए सी. आप सी ए लिखोगे तो भी ठीक है. नाउ सी इंटू बी, आई विल राइट बी सी, और सी इंटू माइनस सी, इट इज सी स्क्वेयर. एंड माई नेक्स्ट टास्क इज जो हाइएस्ट पावर है उनको एक साथ लिखो. सिंप्लीफाई करते हैं, ए स्केयर है, ए स्केयर कोई दूसरी नहीं है. फिर मैंने लिखा बी स्केयर, दूसरा नहीं है बी स्केयर भी, सी स्केयर मैंने यहाँ पे लिख दिया. अब ए बी ढूंढते हैं. देखिए ए बी ये दोनों एक साथ हैं, सो मैंने ए बी जो ए बी और ए बी करा तो यहाँ पे 2 times ए बी हो जाएगा. एग्री? अब नोट करना, माइनस का ए सी है और प्लस का ए सी है, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, जीरो हो गया. फिर एक और कैंसिल हो रहा है, माइनस का बी सी है राइट, और ये प्लस का बी सी है, ये भी जीरो हो गया. सो व्हाट इज लेफ्ट, ये जो टर्म था यही हमारा आंसर होगा. दिस इज द आंसर. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. अब हमारी एक ही एक्सरसाइज बची है इस चैप्टर की, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अलग वीडियो में. वो जो आइडेंटिटी है उसकी एक्सरसाइज है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज की. सो नेक्स्ट वीडियो जो है वो हमारा एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को कवर करेगा. सो थैंक यू वेरी मच.